बौद्ध धर्म के बारे में हमने बात किया था लास्ट क्लास में, और आज हमको देखना है जैनिज्म, है ना? ठीक है, जैन धर्म। तो धार्मिक जागरण में जो सबसे ज्यादा दूसरा रुझान था, किसी दूसरे धर्म की ओर रुझान था, वो था जैनिज्म की ओर, है ना? ठीक है, बहुत लोगों ने किसको आगे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म की ओर चले गए, और बहुत लोग किसकी ओर चले गए, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म में हमने सभी सिद्धांतों के बारे में बात कर ली है, दर्शन के बारे में बात कर ली है ना? उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैंने सभी बता दिए। आज हमको स्टार्ट करना है जैनिज्म, है ना, या जैन। ठीक है, जैन धर्म। जैनिज्म, अब देखो जैन होता क्या है ना? जैन होता क्या है? जो अपनी इंद्रियों पर क्या कर ले, नियंत्रण कर ले, इंद्रियों को पर नियंत्रण कर ले, वो क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। ठीक है, अब यह जो जैन धर्म, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, क्या जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई? तो जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है ना, संस्थापक माना जाता है, वो किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो, यहां तक क्लियर है, संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। अब देखो, तो जैन है ना, ये जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है क्या? विजेता, है ना? क्या? जीन का अर्थ होता है विजेता, और विजेता किस पर विजय विजय प्राप्त कर रहा है? अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, वाणी पर, अपने काया पर, है ना, कार्य पर, जो नियंत्रण पा लेता है, जिन इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही क्या कहलाता है? जैन का। अब देखो यहां से ना कुछ चीजें ध्यान रखना। जो जैन क्या हुए? आपके संस्थापक हुए, है ना? जैन संस्थापक हुए, उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। और जैन महापुरुषों, क्या? जैन जो महात्मा हुए है ना, उनको कहा जाता है क्या? आपका निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? जो जैन संस्थापक है उनको क्या कहा जाता है? जी, तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर जो शब्द है वो तीर्थ से निकला है, और तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ होता है वह नियम और उपनियम, है ना, जो मनुष्य को क्या करता है? भव सागर से पार उतार देता है ना? तीर्थ का अर्थ है क्या? वह नियम, वह उपनियम जो मनुष्य को भव सागर से क्या कर दे? पार उतार दे, है ना, जो इस मोह माया, है ना, इन सब चीजों से, है ना, क्या कर दे? परे कर दे, वही क्या कहलाता है? आपका तीर्थ कहलाता है ना? तो जो तीर्थ ये सब को प्राप्त कर लेते हैं, जो भव सागर को प्राप्त कर लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। अब देखो, तीर्थंकर जो है इनकी कितनी है, कितने संख्या है, इनकी संख्या कितनी है? तीर्थंकरों की संख्या 24 है। कितनी है? 24 है। तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है ना? समझ में आ रहा बात? तो जो भव सागर को प्राप्त कर ले वो तीर्थंकर कहला रहा है, और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है ना? ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब देखो, अब इन इन्हीं तीर्थंकर जो हैं, इनके बारे में पहले बात करेंगे, फिर जैन जो आपके सिद्धांत है, दर्शन है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर जो है ना, उनको देखने की कोशिश करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले तीर्थंकर होते हैं, पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? क्वेश्चन पूछा कि पहला तीर्थंकर कौन है? क्या पूछा क्वेश्चन? प्रथम तीर्थंकर कौन, किसी को पता है क्या?
पहले तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखो, पहले जो तीर्थंकर हुए वो हुए आपके ऋषभ देव, है ना। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? आदिनाथ। इसको ऋषभ देव को, ठीक है, समझ में आ रहा बात। और देखो, अभी जितने भी तीर्थंकर पढ़ोगे ना तुम लोग, जितने भी तीर्थंकर पढ़ोगे, उन सब का एक प्रतीक है, और उन प्रतीकों से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है कि भैया ऋषभ देव का प्रतीक कौन सा था, है ना, अरिष्ट नेमी का प्रतीक कौन सा था, है ना। तो हर जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में हर तीर्थंकर का एक प्रतीक था, क्लियर। अब देखो इनके बारे में, सबसे पहले तो मैं प्रतीक लिख देता हूँ। ऋषभ देव का प्रतीक था सांड। क्या है? सांड इनका प्रतीक है, समझ में आ रहा बात। अब इनके बारे में फैक्ट्स क्या है, तो फैक्ट लिखते जाओ। सबसे पहले देखो, इनके ही पुत्र का नाम था क्या? आपका भरत, ज्येष्ठ पुत्र था इनका भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जब मैं पहले ही बताया था, है ना, जब शुरू पढ़ रहे थे कि भारतवर्ष नाम पहले पढ़ने के पीछे दो थ्योरीज है, हिंदुइज्म थ्योरी, जैनिज्म थ्योरी। तो जैनिज्म थ्योरी के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। ऋषभ देव पहले शासक थे ना, राजा थे ये, है ना, ये क्षत्रिय कुल के, है ना, ये भी राजा थे ऋषभ देव। राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अब देखो इनका वर्णन, ऐसे तुम सोच रहे होगे कि भाई नहीं जैनिज्म में ही है। देखो इनका वर्णन वायु पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, भागवत पुराण में इनका वर्णन हमको मिलता है ना, इनका ऋषभ देव का। और इन्हें नारायण या विष्णु का ही अवतार बताया गया है ना, समझ में आ रहा बात। इनका उल्लेख आपको किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। सबसे पहली बात तो ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में और पुराणों में वर्णन मिलता है। अरिष्ट नेमी, आगे जब पढ़ोगे ना अभी, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर होंगे अरिष्ट नेमी, उनका भी वर्णन मिलेगा, इनका और ऋषभ देव का और अरिष्ट नेमी, उन दोनों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा किन दो जैन तीर्थंकरों का वर्णन किसमें मिलता है? आपके ऋग्वेद में मिलता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होगा ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। अब चलो, अब हमको ना 22वें तीर्थंकर पर डायरेक्ट जाना है, तो उससे पहले ना मैं तुमको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ जितने भी तीर्थंकर हुए और उनमें से प्रमुख जो तीर्थंकर हैं, है ना, उनको मैं बताता हूँ। लिस्ट तो आपको मैं भेज दूंगा, है ना, जितने तीर्थंकर थे आपको मिल भी जाएंगे कहीं पर भी खोजोगे तो। प्रमुख जो तीर्थंकर थे मैं उनको और उनके प्रतीक चिन्हों को बता रहा हूँ। ऋषभ देव के बाद सेकेंड जो हुए वो थे अजीतनाथ। अजीत नाथ, इनका प्रतीक था गज। गज माने हाथी, है ना, क्या था? गज, हाथी, समझ में आ रहा है बात, हो गया। फिर थर्ड है आपके संभवनाथ। संभवनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका क्या जी? अश्व, घोड़ा, ठीक है, थर्ड हो गया, हो गया। फिर एक थे सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक था स्वास्तिक। ठीक है, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक था स्वास्तिक, ठीक है। मैं केवल देखो उन्हीं उन्हीं को बता रहा हूँ जो आने लायक है, है ना, बहुत सारे तीर्थंकर हैं और सबका नहीं लिखना है। फिर है शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है मृग। क्या है? मृग है, है ना। फिर नेमीनाथ, नेमीनाथ, क्या? नेमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल। नीलोत्पल, है ना,
ना से नेमिनाथ ना से नीलोत्पल है ना। सु माने अच्छा, हम अच्छे कार्य के लिए किस क्या किसके सामने करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं ना। तो सुपास स्वास्थ्य कौन होगा, स्वास्तिक। शांति का प्रतीक होता है मृग है ना, ऐसा याद रखो। शांतिनाथ का क्या है, मृग। और घोड़े की तेजी से दौड़ोगे, घोड़े की तेजी से दौड़ोगे तो हर चीज संभव हो जाता है। तो संभव ना क्या है, अश्व है। और जिसको अजीत है ना, क्या हो, अजीत, जिसको जीता ना, हाथी अगर सामने आ जाए तो जीत नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसे करके कनेक्ट करके याद रखना, अजीतनाथ का हाथी, मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया, अजीतनाथ का हाथी। संभव घोड़ा है ना, सुपार सु अच्छा क्या है, स्वास्तिक है, है ना, सुपार सुना तो ससे स्वास्तिक। शांतिनाथ मृत जो है शांति का प्रतीक। नेमिनाथ नीलोत्पल, ना से नेमिनाथ ना से नीलोत्पल बेटा, ठीक है। पद्म प्रभु का पद्म है ना, ठीक है, ऐसे ही है। अरिष्ट नेमी जो है ये 22वें तीर्थंकर होंगे। अरिष्ट नेमी ये आपके 21वें, ये 22वें है ना, क्रमशः आगे बढ़ा लो। अरिष्ट नेमी जो है, अरिष्ट नेमी का है संघ, क्या है, संघ है ना। तो अरिष्ट को ऐसे याद रखो, अनिष्ट है ना। संख का आप क्या करेंगे, संख का गान करेंगे, संख जब बजाएंगे तो सभी अनिष्ट मिट जाएंगे, ऐसे याद रखो है ना, ठीक है। फिर है पार्श्वनाथ, 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 पार्श्वनाथ का जो है वो है आपका सर्पफण, सर्पफण, फण में समझ रहे हो, सांप का जैसे फण होता है ना, उसको सर्पफण बोल रहा है वो, इस तरीके से है ना। ये सर्पफण किसका, पार्श्वनाथ का। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर। क्वेश्चन पूछेगा 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर हुए आपके महावीर स्वामी, और होंगे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है, सिंह है बेटा, ठीक है, क्लियर है। हो गया, चलो, तो इसको मैंने बता दिया है कि कैसे याद रखोगे, ठीक, चलो। आप देखो, मैंने बताया अभी आपको ऋषभदेव है ना जी, क्या बताया, ऋषभदेव के बारे में बताया, ऋषभदेव आदिनाथ है ना, इनका प्रतीक क्या चिन्ह है, सांड है, सांड है ना। अच्छा, इनके बारे में और एक चीज लिखिएगा, ऋषभदेव आदिनाथ के बारे में है ना, ये यति हो गए है ना, ठीक है, यति है ना, साधक हो गए, पुत्र को सौंपा है ना, आज क्या साधक हो गए, कौन, आदिनाथ या ऋषभदेव है ना, यति हो गए, पुत्र को सौंप दिया राज्य और यति हो गए है ना, ये राजा थे ऋषभदेव। अच्छा, इन्हीं के ना पुत्र है, कौन, गोमतेश्वर, कौन, गोमतेश्वर इनके पुत्र हैं, इनके आदिनाथ के, एक भरत है और एक गोमतेश्वर है। इन्हीं आदिनाथ के पुत्र गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ये कहाँ है, बाहुबली गोमतेश्वर है ना, बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है जी, पता है किसी को कहाँ है बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा, जल्दी बताओ, श्रवण बेल गोला में, कहाँ है, श्रवण बेल गोला है ना, कहाँ है, श्रवण बेल गोला, और श्रवण बेल गोला कहाँ है, चंद्रगिरी की पहाड़ी में, कहाँ है, चंद्रगिरी की पहाड़ी में, चंद्रगिरी पहाड़ी जो है वो दोद्दा बेटा जो है ना, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है ना, दोद्दा बेटा, ठीक है, वहीं पर श्रवण बेल गोला, श्रवण, श्रवण का है श्रवण है ना, श्रवण मने होता परित्याग, अबेल कोला, श्रवण संस्कृत शब्द है, अबेल कोला क्या है आपका, कन्नड़ है,
बेल गोला का अर्थ होता है सफेद तालाब, है ना, तो वो सब नहीं लिखना है। श्रवण बेल गोला जो है चंद्रगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, यहीं पर बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है ना। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में, है ना, ठीक, क्या जी, कितना, प्रत्येक 12 वर्ष में क्या किया जाता है जी, यहाँ पर महाभिषेक होता है, कहा, बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा में, ठीक है। ना तो महामस्ताभिषेक की प्रक्रिया होती है इसी, यही पर क्या होता है महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक कितने वर्ष में होता है, प्रत्येक 12वें वर्ष में होता है, क्या होता है, क्या होता है बेटा, महामस्ताभिषेक, क्या होता है, महामस्ताभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक होता है ना, ठीक है। अभी 2018 में हुआ था, 2018 में ये 86 नंबर का था वो, है ना, महामस्तकाभिषेक जो हुआ था अपना। अच्छा तुमको बता दूं, ये जो श्रवण बेल बोला है इसको क्या कहा जाता है, जैनों का काशी कहा जाता है, जैन काशी कहा जाता है इसको, श्रवण बेल गोला को, कौन जैन काशी के नाम से फेमस है, श्रवण बेल गोला। चूंकि 12वें वर्ष में होता है कुंभ मेले की तरह, तो इसको जैन कुंभ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैन कुंभ भी कहते हैं इसको, ये महामस्तकाभिषेक जो होता है उसको, है ना, ध्यान रखिएगा। बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है ना। और थोड़ा सा डीप पूछ दे तुमको आर्ट एंड कल्चर में, तो कार्योत्सर्ग मुद्रा में ये जो प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी बाहुबली गोमतेश्वर की, कभी देखा कि नहीं देखा मुझको नहीं पता आपने, है ना, तो यह जो प्रतिमा है बाहुबली गोमतेश्वर की, है ना, कहा जी बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है जो एक पत्थर पर क्या उसको बनाया गया है ना, ये जो है ये कौन सी मुद्रा में है, कार्योत्सर्ग मुद्रा में, कार्योत्सर्ग मुद्रा में। देखो हमने आर्ट एंड कल्चर को, है ना, कनेक्ट किया है किससे, आपके सर्विकल पोर्शन से, जैन, क्लियर, समझ में आ रहा बात, अब याद रहेगा। अब देखो आप ऐसे को क्या पढ़ते, अलग से जब बाहुबली गोमतेश्वर पढ़ते तो क्या पढ़ते भाई, यहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ी में स्थित है ना, उसके बाद फिर पढ़ते कि आदिनाथ के पुत्र, फिर दिमाग में खोजते आप, क्योंकि वहां पर कनेक्शन तो है ही नहीं है। अब दिमाग सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने गए, अब आदिनाथ दिमाग नहीं है, आदिनाथ तो भैया पहले ऋषभ देव थे, वही ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर है ना, वही है ना, तो जब कनेक्ट करोगे ना तो चीजें आसान होगी। अब इसी चंद्रगिरी की पहाड़ी में के बारे में आगे पढ़ोगे कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जब प्रथम जैन संगति होगी, है ना, क्या, भद्रबाहु के नेतृत्व में जब प्रथम बद्ध संगति होगी तो जैन जो होंगे दो फाड़ में पड़ जाएंगे, एक दिगंबर होंगे एक श्वेतांबर होंगे। तो जो दिगंबर होते हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां पहुंच जाते हैं, चंद्रगिरी पहाड़ी, कहां होता है, मगध में काल पड़ता है तब, उस समय बहुत बड़ा काल, किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, समझ में आ रहा है बात, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भीषण काल पड़ता है, कहां, मगध में। और उसी समय जैन क्या करते हैं, एक पहला क्या होता है, जैन संगीति होता है। इस जैन संगीति में जो होता है वो जैन जो है दो भागों में बंटते हैं, कौन कौन से, आपके दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर वे होते हैं जो दिग को अंबर मानते हैं, दिग माने, है ना, कप, किसको, कपड़ा, है ना, अंबर माने आसमान, है ना। तो दिगंबर जो जैन होते हैं वो कहां चले जाते हैं, दक्षिण की ओर चले जाते हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में, है ना, और चंद्रगिरी की पहाड़ी में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना द्वारा प्राण त्यागते हैं, है ना, ये आगे पढ़ोगे तुम इसके बारे में, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना कि चंद्रगिरी की पहाड़ी से दो चीजें कनेक्टेड है, एक श्रवण बेल गोला और दूसरा आपका कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना, ये दोनों चंद्रगिरी की पहाड़ी से कनेक्टेड है ना। अब श्रवण बेल गोला से बाहुबली गोमतेश्वर, और बाहुबली गोमतेश्वर
आदिनाथ। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, तो ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी है। किसके साथ? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ, है ना। अब अरिष्टनेमी के बारे में खास क्या है जी? तो अरिष्टनेमी के बारे में खास क्या है ये अब देखते हैं, क्योंकि अब नंबर है आपके कौन से नंबर के तीर्थंकर का? 22वें तीर्थंकर का, अरिष्टनेमी का। तो 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी को कृष्ण का भाई कहा गया है ना, कृष्ण का भ्राता कहा गया है। कृष्ण का मैंने शंख बताया था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। और इनको क्या क्या कहा गया है? भ्राता कहा गया है, कृष्ण का भ्राता कहा गया है। किनको? अरिष्टनेमी को। ठीक है, पूछता है कि कौन से जैन तीर्थंकर श्री कृष्ण के क्या थे? भ्राता थे। समझ में आ रहा है बात? कौन से जैन तीर्थंकर श्री कृष्ण के भ्राता थे? ठीक है जी, तो कौन से जी? आपके अरिष्टनेमी। कौन है? अरिष्टनेमी। ठीक है, चलिए बढ़े। 23वें तीर्थंकर, 23rd, है ना, 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन है जी? 23वें जो तीर्थंकर हैं वो है आपके पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ का मैंने क्या बताया था? प्रतीक पार्श्व, सांप, है ना, तो सर्प, फण इनका प्रतीक है। क्या? सर्प का फण इनका प्रतीक है ना, किनका? पार्श्वनाथ का। ठीक है, अब देखो पार्श्वनाथ को ना जिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और पार्श्वनाथ के बारे में क्या फैक्ट है? देखो इन इनका ये भी क्या थे, है ना, इनकी इनके पिता जो हैं ये भी राज परिवार से थे। कौन? पार्श्वनाथ। और इनके पिता जो थे, पिता 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 कौन है? अश्वसेन। कौन? अश्वसेन, है ना। ठीक है, कहाँ? काशी के राजा थे ये, काशी के। कहाँ के? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ, है ना। कौन से वंश के थे जी ये काशी राजा? इक्ष्वाकु वंश के थे ना। तो देखो बहुत कनेक्शन मिलेगा तुमको बौद्ध, जैन और हिंदुज्म में। ये एक्चुअल में ना जो जैनिज्म बौद्धिज्म है, एक्चुअल में एक तरह की ब्रांच है हिंदुज्म की या सनातन की, है ना, एक तरह से मैं ब्रांच ही कहूंगा, है ना, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज मिलती हैं और एक दूसरे से कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। इनकी माता का नाम जो था, माता का नाम वामा था, है ना। क्या था? वामा। किनकी? पार्श्वनाथ के, है ना। खैर इसको पूछा नहीं है, पूछेगा भी नहीं। और इनकी पत्नी का जो नाम है, पत्नी पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या है? प्रभावती, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन्होंने भी, पार्श्वनाथ ने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था इन्होंने, पार्श्वनाथ, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है ना, क्रोनोलॉजी अच्छे से बनाना, है ना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। कहाँ कर दिया? क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में इन्होंने, पार्श्वनाथ ने। और इनको ज्ञान प्राप्ति जो होती है 83rd day, 83वें दिन क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति होती है। कहाँ प्राप्त होती है जी? ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर में। कहाँ? सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर पर्वत है ना, क्लियर है क्या आपका? सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर में ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो दो स्थल हमने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिए, कौन कौन से आपके, कौन कौन से जी? एक तो श्रवण बेल गोला जैन जैनों के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरा कौन सा है? सम्मेद शिखर। कौन सा है?
सम्मेत शिखर, सम्मेत शिखर कहाँ है? झारखंड में है। और इसी यहीं पर अभी इसको लेकर विवाद था झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर जो आपके है ना दो जैन जैन संप्रदाय और जनजाति वहां जो संप्रदाय है उनके मध्य क्या कर हो रहा था, विवाद हो रहा था है ना। चूंकि झारखंड सरकार इसको पर्यटन केंद्र की तरह विकसित कर रही है और प्रसाद योजना के तहत ये भी शामिल है ना, तो जैन क्या चाहते थे कि सम्मेत शिखर जो है प्रसाद योजना से हटा दिया जाए उसको, है ना भाई, पर्यटन की तरह नहीं जानते, ये हमारा क्या है धार्मिक केंद्र है ना। और सही बात है, पर्यटन और आपका अध्यात्म है ना, वहां उसका मेल एक तभी तक संभव है जब तक एक दायरा बना रहा है ना। पर्यटन क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, और पर्यटन को अगर आप अध्यात्म से मिक्स करोगे तो उसके कुछ कुप्रभाव हमको देखने को मिलते हैं है ना। ठीक है, बहुत सारी गलत चीजें स्टार्ट हो जाती हैं है ना, तो इसको है ना क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए है ना। ठीक है जी, तो गिरिडीह, गिरिडीह झारखंड का एक जिला है, यहीं पर स्थित है, याद याद रखना, गिरिडीह है ना झारखंड का एक जिला है, वहीं पर स्थित है आपका सम्मेत शिखर। जैनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर्वत पर स्थित है ये, बहुत बड़ा जैन स्थल है, छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत आता है झारखंड ये, है ना जी, समझ में आ रहा बात, क्लियर है। है ना, और कहते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी है ना। अब देखो पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे है ना, इनके पार्श्वनाथ के शिष्य, इनके जो शिष्य थे वो क्या कहलाए जी, निर्ग्रंथ कहलाए, क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए इनके शिष्य, समझ में आ रहा बात है ना। और क्वेश्चन पूछता है ना कि जो जैन संघ की स्थापना किसने की थी, तो जैन संघ की स्थापना किसने की थी, पार्श्वनाथ ने की थी। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर यहां तक। चलो अब देखो, ये निर्ग्रंथ जो होते थे इनको ना चार तरह के आचरण का पालन करना पड़ता था, चार आचरण है ना, कौन कौन सा चार आचरण होता, चार आचरण था, आचरण था, तो था आपका पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, सत्य बोलना, किसी से हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना पड़ता था है ना, अस्ते यानी चोरी ना करना, चोरी ना करना इसको क्या कहा गया, अस्तेय है ना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है क्या, धन का संचय न करना। ठीक है, जैन देखो बौद्ध धर्म में ना बुद्ध जी का अलग मत था, बुद्ध कहते थे कि धन का उपार्जन जरूरी है, धन अगर आप नहीं एकत्र करोगे तो, धन एकत्र नहीं करोगे तो आपके पास धन नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, गलत चीजों की ओर रुख करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे है ना, पाप करोगे है ना। लेकिन जैन जो हैं वो जीव हत्या को क्या मानते हैं, पाप मानते हैं, इसीलिए वो आपको मुख पर क्या दिखेंगे, आपको उनको मास्क दिखता है उनका, उनका कहना है कि इस वायु के कण में भी जीव होते हैं है ना, तो जीव को हम भूलवश भी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, कौन, जैन, और इसीलिए आप, इसके अलावा कृषि बैन है जैनिज्म में, आगे देखोगे तुम, कृषि कार्य प्रतिबंधित है जैन धर्म में, क्यों प्रतिबंधित है, क्योंकि वो धरती में बोला ना कि वो क्या करते हैं कि कृषि कार्य करने से क्या होगा, जीव मरेंगे है ना, धरती को क्या होगा, पीड़ा होगा, तो ऐसा मानते हैं, इसीलिए कृषि कार्य नहीं करते। इसीलिए देखोगे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी जैन हैं, मोस्टली आपको व्यापारी देखने को मिलेंगे जैन जो है ना, मोस्टली है ना, तो जैन क्या, इनके में जीव हत्या को पाप माना जाता है, किनमें, जैनिज्म में है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात, तो सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह ये चार आचरण है ना। ठीक है, और इन्हीं, ये आगे चलकर जब सन्यास शामिल हो जाएगा तो पंच महाव्रत कहते हैं जिसको है ना, वो ये बन जाएंगे है ना, जो महावीर स्वामी के आपके काल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात,
है ना, समझ में आ रहा है। तो हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, अहिंसा में मैंने बोला कि कृषि वर्जित है, अहिंसा नहीं करना, युद्ध वर्जित है जैनिज्म में, है ना, कृषि या युद्ध वर्जित है। इसके अलावा अस्ते मने चोरी नहीं करना है आपको, है ना, ठीक है, और संपत्ति का संग्रह नहीं करना है अपरिग्रह मने, समझ में आ रहा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि महिलाओं का धर्म में प्रवेश करवाया तो पहली बार पार्श्वनाथ नहीं करवाया था, एक पुष्प चला नाम की क्या है स्त्री संघ अध्यक्ष का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पुनर्जन्म और कर्मवाद किसका दर्शन है, पुनर्जन्म और कर्मवाद ये इन्हीं का दर्शन, ठीक है, लिखो ठीक, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, पूछेगा नहीं ना पूछा है आज तक, ठीक है। तो आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है, इन्होंने उनके इनके चार आचरण थे, पांचवा आचरण किसने जोड़ा, आपके महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। चलिए ये तो मैं बिगर एस्पेक्ट्स के जरिए से आपको ये सब समझा दिया, ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको महावीर स्वामी पर भी जा सकता था, ठीक है जी, क्लियर है ना, जब इतना डिटेल हो रहा है तो अच्छे से पढ़ लो, है ना, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डालिए महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, कौन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें, है ना, कौन है आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। देखो महावीर स्वामी है ना के बचपन का नाम था वर्धमान, क्या नाम था वर्धमान, आपने देखा होगा बहुत सारे वर्धमान ट्रेवल्स ऐसे करके आता है, तो वर्धमान जो है ये बचपन के नाम था महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी का मैंने चित्र बताया कि भाई ये सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है, शेर सिंह है ना प्रतीक चिन्ह है, इनको जिन कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, किनको महावीर स्वामी को, ठीक है, इसके अलावा क्या कहा जाता है, केवलिन कहा जाता है, केवलिन कैवल्य की प्राप्ति है ना हुई जब इनको, तो केवलिन कहा गया, यापनीय कहा गया, यापनीय किनको महावीर स्वामी को, है ना, अकुरुचक कहा गया, क्या कुरुचक कहा गया, ठीक है। चलिए ये इनके नाम थे, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना, चलो अब इनके बारे में आते हैं। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, महावीर स्वामी, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी था। अब देखो इनकी क्रोनोलॉजी पर चलते हैं, इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में, कब होता है 540 ईसा पूर्व में इनका क्या होगा जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा जी, तो कुंडल ग्राम, है ना, कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम, है ना, कुंड ग्राम कर लो, है ना, चलो कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है, कहाँ होगा जन्म वैशाली, वैशाली है ना, यहां पर किनका साम्राज्य था, पहले लिच्छवियों का साम्राज्य था, है ना, ठीक है। फिर अच्छा वैशाली में ज्ञात्रिक कुल, कौन सा कुल, ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म होता है ना, ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय कुल था एक, है ना, और वहां जो शासन था वो था वज्जी संघ का, वज्जी संघ है ना, तो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल में है ना किनका जन्म होता है, आपके महावीर स्वामी का जन्म होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जन्म मृत्यु को मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि इनके में ना उस तरह की क्रोनोलॉजी देखने को नहीं मिलती है जैसी बुद्ध के बारे में देखने को मिलती है ना। तो 540 ईस्वी में जन्म, ईसा पूर्व में जन्म, और इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या होगी मृत्यु होगी, कहाँ मृत्यु होती है, तो पूछा गया है कि देखो मल्ल जो शासक थे उनकी दो राजधानियां थी, दो स्थान थे, एक तो वो पाप
पावापुरी और दूसरा था कुशीनारा, है ना। ठीक है, तो कुशीनारा में मृत्यु हुई, दोनों जो मृत्यु हुई वो दोनों ही हुई मल्लों के, क्या आपके राज्य में। तो कुशीनारा में मृत्यु हुई थी किनकी, आपके गौतम बुद्ध की, है ना। वहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, किसने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद बताया था कि भाई उनका दाह संस्कार होता है करीब, उसके बाद 8 लोगों के मध्य उसका विभाजन होता है। मल्ल अपना हक चाहते रहते हैं, लेकिन मल्लों के विरोध में मगध आ जाता है। मगध कहता है, मगध का अजातशत्रु कहता है कि भाई हम भी क्षत्रिय हैं तो बुद्ध पर हमारा भी हक है, चूंकि बुद्ध क्षत्रिय थे। उधर से आपके उनके जो उनका जो घर रहता है वहां से आ जाते हैं लुम्बिनी से। ठीक है, तो ब्राह्मण एक हिस्सा मांगते हैं, ऐसे करके 8 लोगों के मध्य बस बढ़ता है मिली, ऐसा वर्णन मिलता है। और इन सबको बांटने वाला था एक द्रोण नामक ब्राह्मण, है ना। द्रोण जो होता है वही उनके मध्य क्या करता है, उनके अंगों का बंटवारा करता है ना। उनका कपाल जो बचा होता है, पैर की हड्डी बची होती है, वो सबका बंटवारा होता है। ठीक है, चलिए तो उस पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना 8 लोगों के मध्य विभाजन हुआ था। क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी मस्त वेब सीरीज आई है, किसके वेब सीरीज नहीं, एक शॉर्ट फिल्म आई है समझ लो, है ना। किस पर, डिस्कवरी चैनल पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उसमें, है ना, गौतम बुद्ध के ऊपर। तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है, कहां पर, पावापुरी में। कहां होगी, पावापुरी में, है ना। पावापुरी में मल्ल, है ना, यहां भी क्या रहते थे, मल्ल, है ना, मल्ल शासक। अब कौन था मल्ल शासक उस समय, सुस्त राज, है ना, सुस्त राज, सुस्तपाल, क्या, सुस्तपाल। तो पावापुरी में मल्ल शासक सुस्तपाल के राजाश्रय में 468 ईसा पूर्व में किनकी मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है ना। जबकि पावापुरी में ही, है ना, चुंद लोहार, है ना, का जो मादक, है ना, सुकर मादक जो द्रव्य होता है, उसके आहार से क्या, किनको, गौतम बुद्ध को रोग हो जाता है, अतिसार का रोग हो जाता है ना। ठीक है, खून निकलने लगता है उनके शरीर से, इनके गौतम बुद्ध के, है ना। ठीक है, क्लियर, चलो उसकी कहानी अलग है, चलिए ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े, महावीर स्वामी में आगे देखते हैं। अब देखो महावीर जो स्वामी है ना, महावीर जो स्वामी है ना, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, अब दिमाग में आया, सिद्धार्थ किसका नाम था, किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था पूछेगा तो, है किनका, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना, समझ में आ रहा है बात। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहां पर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। कौन से कुल के हैं, ज्ञात्रिक कुल के हैं, ज्ञात्रिक कुल के हैं ये सिद्धार्थ, जबकि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल है ना, और जबकि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के हैं। शाक्य मुनि कहा जाता है किनको, गौतम बुद्ध को। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला है, क्या है, त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, त्रिशला। कई जगह विदेह क्या मिलता है, विदेह दत्ता मिलता है, विदेह दत्ता मिलता है ना। क्यों मिलता है इनका नाम, क्योंकि इन ये जो है वैशाली नरेश चेटक की क्या होती है, क्या होती है जी, बहन होती है। वैशाली नरेश चेटक की क्या होती है, पुत्री होती है ना, सॉरी बहन होती है, चेटक की बहन कौन, आपकी त्रिशला, है ना, इनकी माता जो होती है। इनकी पत्नी का जो नाम है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है ना, ठीक है, पत्नी का नाम क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ,
यशोधरा जो है ना, कहाँ कहाँ कनेक्शन, यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, जल्दी बताओ, देख के नोट्स खोलो अपना। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम गौतम बुद्ध की यशोधरा यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा, कुंडली गोत्र से थी, है ना। अब देखो इनके बारे में ना कहानी, महाविस्वामी के बारे में, महाविस्वामी के बारे में कहा जाता है ना, जो जैन श्रुति है उसके अनुसार, कि इनका जन्म पहले ब्राह्मण कुल के ऋषभदत्त की पत्नी जो है देवनंदा के गर्भ में हो रहा था, है ना। तो गर्भ में पहले देवनंदा के गर्भ में थे, ब्राह्मण के गर्भ में थे, उसके बाद है ना इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो इनकी माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, इनकी पुत्री का नाम था अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या, अयोध्या है ना, प्रियदर्शनी भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शनी है ना, प्रियदर्शनी। और इनको किनको कहा जाता था, किस राजनेता के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था? हाँ, इंदिरा गांधी को कहते प्रियदर्शनी, ठीक है। चलो, इनका ना विवाह जो होता है, इसकी पुत्री अयोध्या का विवाह होता है जमाली से, जमाता माने दामाद होता है ना, जमाली से होता है ना। और यही जो जमाली है, ये कौन है? महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र है ना। तो अपनी बहन के ही पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। आज भी दक्षिण भारत में ऐसी परंपराएं आपको देखने को मिलती हैं, है ना, और मोहम्मदन परंपरा में भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है। तो यहाँ पर अपनी बहन के पुत्र है ना से इन क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। और बाद में आप देखोगे यही जमाली जो है बाद में उनका प्रथम शिष्य बनता है ना, ठीक है। अच्छा, इनके भ्राता कौन होते हैं? नंदीवर्धन। भ्राता कौन है? नंदी वर्धन, किनके? महास्वामी के। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। देखो, नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं कौन? महावीर स्वामी। और उनकी आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में ये भी क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। कौन? महावीर स्वामी। 30 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। और इसके बाद वो पहुंचते हैं नालंदा। कहाँ पहुंचते हैं? नालंदा। कौन? महावीर स्वामी। नालंदा पहुंचते हैं तो वहां पर किससे मुलाकात होता है इनका? माखली पुत्र गोसार से। किनसे मुलाकात होता है? माखली पुत्र गोशाल है ना, इससे मुलाकात होता है। समझ में आ रहा? माखली पुत्र गोशाल से मुलाकात होता है। ये 6 वर्ष तक इनका शिष्य बना रहता है, 6 वर्ष तक। उसके बाद 6 वर्ष बाद इनको छोड़ देता है, इनसे विवाद हो जाता है। किनसे? आपके महावीर स्वामी से। और यह अलग संप्रदाय चालू करता है जिसको कहते हैं आजीवक संप्रदाय। कौन सा? आजीवक संप्रदाय की जो है ना नींव पड़ती है, वो किसने लिए रखी थी? माखली पुत्र गोसाल ने, है ना। और इसका सिद्धांत क्या था? नियतिवाद, है ना, आजीवक संप्रदाय। और इसका दर्शन है क्या? नियतिवाद। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है नियतिवाद। नियतिवाद माने क्या है जी? जो जैसा लिखा गया है, जो जैसा भविष्य में
है ना, कहा गया है वैसा होगा ही। ये किसने कहा है? माखली पुत्र गोशाल ने कहा है, ठीक है, नियतिवाद है ना, सब छोड़ दो है ना, जो जैसा होगा वो वैसा होगा, अपना काम करते रहो है ना, ठीक है। अच्छा, अब नालंदा में इसके बाद है ना 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं कौन? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी जो है क्या करते हैं, 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं नालंदा में। अब 12 वर्ष की तपस्या के बाद बैसाख माह के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती। कितने वर्ष बाद? देखो कितना, 12 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, 12 वर्ष बाद प्राप्त हो रहा है ना। और जबकि बुद्ध को है ना 8वें वर्ष ही हो गया था, नहीं 6 वर्ष पश्चात हुआ था है ना 8वें दिन, इनको 10वें दिन हुआ, बैसाख माह के 10वें दिन। अच्छा, बुद्ध के बारे में एक चीज जो मैं छूट गया आपको बताना, कि बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों ही पूर्णिमा के दिन हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन पूछता है बुद्ध के बारे में कि किस है ना दिन है ना बुद्ध की मृत्यु, जन्म और क्या निर्वाण, आपकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये तीनों ही दिन पूर्णिमा के थे, याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलो अब देखो, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई इनको, ठीक है। कहां पर प्राप्त होता है जी? तो जिम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर, जिम्भिक ग्राम, कौन सा नदी तट? ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर है ना, क्या होता है इनको, ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध का कौन सा था वृक्ष? पीपल का वृक्ष था, इनको होता साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। किस वृक्ष के नीचे बेटा? साल वृक्ष के नीचे। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या कहलाते हैं? केवलिन कहलाते हैं। कौन? आपके महावीर स्वामी। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए, है ना। और बहुत ही अटल साधना, अतुल पराक्रम के कारण ये फिर और क्या कहलाए? महावीर कहलाए। क्या कहलाए? महावीर कहलाए। 12 वर्ष तपस्या करना इतना आसान नहीं। अब देखो, इनका जो प्रथम उपदेश था, पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था जी? कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने पहला उपदेश दिया राजगृह में। कहाँ दिया? राजगृह, मगध के में दिया, है ना, मगध में विपुलांचल पहाड़ी है, एक विपुलाचल, वहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। किन्होंने? महावीर स्वामी ने, ठीक है। वराकर नदी तट है, वराकर नदी बहती है, वराकर नदी है ना, क्या, वराकर नदी, ठीक है। अच्छा, इनका पहला शिष्य कौन था, प्रथम शिष्य? तो प्रथम शिष्य इनका दामाद ही बनता है, कौन? जमाली, जो दामाद था, जमाता जमाली कहते हैं उनको, जमाता जमाली क्या होता है, इनका पहला शिष्य बनता है। और बताया जाता है कि इनके मध्य मतभेद हो गया बाद में, किनके मध्य? महावीर स्वामी और जमाली के मध्य। किस बात को लेकर मतभेद हो गया? 12 वर्ष के बाद है ना, 6वें वर्ष में माखली मूत्र गोसाल निकल गया था, 12वें वर्ष में ये निकल गया। क्यों निकल गया? महावीर स्वामी कहते थे है ना कार्य करते ही है ना कोई चीज पूरी हो जाती है, ये थ्योरी है, उनके सिद्धांत है कि कार्य करते ही क्या माना जाएगा, कि कार्य पूरा हो जाना माना जाएगा, ठीक है, उसका परिणाम पर नहीं जाते थे, कार्य करते ही पूरा माना जाएगा ये कहते थे, है ना। इसको क्या सिद्धांत कहते हैं? क्रियामाण कृत, है ना, ये सिद्धांत कहते हैं, इसमें कार्य करते ही पूरा हो जाना माना गया। तो जबकि आपके जमाली का कहना था है ना, उन्होंने बहुरथवाद दिया, और उनका कहना था कि कार्य पूरा होने पर ही माना क्या हो जाएगा, कार्य पूरा माना जाएगा, ये कहा है ना, तो इसलिए इनके विवाद हो गया, तो जमाली ने छोड़ दिया, ठीक है। चलो
इसके अलावा इनके मामा जो चेटक थे वो भी इनके शिष्य बने, है ना? ठीक है, इनकी जो पहली शिष्या बनी, प्रथम भिक्षुणी, है ना, प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? भिक्षुणी या शिष्या, शिष्या लिख लो, प्रथम शिष्या। तो प्रथम शिष्या जो बनती है वो थी चंदना। क्या? चंदना। चंदना इनकी प्रथम शिष्या बनती है, प्रथम भिक्षुणी बनती है। कौन? जनधन। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा जाता है, ये तो कंप्लीट हुआ ना, समझ में आया? क्या ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? जिम्बिग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, है ना? ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिंग कहलाए। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, विंध्याचल पहाड़ी, वराकर नदी के तट पर, है ना? समझ में आ रहा बात? क्लियर है? अब देखो इनके ना समकालीन कौन कौन से थे, तो इनके समकालीन शासक कौन कौन से, देखो पूछता है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समकालीन। ठीक, बिंबिसार, है ना? कौन है? बिंबिसार समकालीन है। अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक, ये बुद्ध के भी समकालीन थे। उदयन, है ना? क्या? उदयन। और कौन है? चंड प्रद्योत। अब यहां पर देखो, समझना बात को, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ जी? 540 ईसा पूर्व में, है ना? और मृत्यु कब हुई इनकी? 468। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो यहां पर उन्होंने कितना, 32 वर्ष, है ना? ठीक है, और इधर कितना आपका? 40 वर्ष। तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो रही, याद रखना। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा समझना सीखना, है ना? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, कि इनकी, महावीर स्वामी की। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और महा सेम टाइमलाइन पर देखो, 563 ईसा पूर्व में किसकी, किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी महावीर स्वामी से पहले कौन आ गए थे? गौतम बुद्ध आ गए थे। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 में, है ना? 483 ईसा पूर्व में, है ना? ठीक है, तो इनसे पहले मृत्यु हो गई कि किनकी? गौतम बुद्ध की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये 80 इयर्स तक, है ना? तो दोनों एक तरह से समकालीन थे, गौतम बुद्ध, महान स्वामी, और इसके अलावा समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना? ये दोनों तो मगध के शासक थे, ये सभी चंड प्रद्योत, ये सभी, है ना? क्या है आपके, कहाँ के शासक थे? मगध के। ठीक है, चलिए। अच्छा, महावीर स्वामी के बारे में मैंने बताया है कि पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, है ना, सिद्धांत है जो, है ना? क्या है पंच महाव्रत सिद्धांत? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना? क्या? अहिंसा माने हिंसा ना करना, अस्तेय माने चोरी ना करना, अपरिग्रह माने क्या ना करना, संग्रह ना करना। किसका? धन का। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अमृषा यानी सत्य बोलना, अमृषा माने सत्य बोलना। ठीक है, ये चार क्या हैं आपके, किसके साम सम किसके काल में है? पार्श्वनाथ के। पांचवा जो है ना, पांचों, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर बौद्ध भिक्षु बन रहे हो तो तुमको पांचवा सदाचार जो है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। ये किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तो ये एडिशन किया, ये एडिशन, ये चारों थे पार्श्वनाथ के काल में, और ये ब्रह्मचर्य कौन से काल में आया? महावीर स्वामी काल में। ठीक है, केवल पढ़ो नहीं, समझो। ये चार जो हैं, ये बौद्ध भिक्षु या जैनों, सॉरी जैन जो क्या थे, अनुयायी थे, उनके लिए थे। और पांचवा जो सदाचार है वो किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने।
बोला कि भैया ब्रह्मचर्य का भी पालन पड़ेगा, जैन जैन जो जैन धर्म को अपनाएंगे, है ना। ठीक है, जैन जो क्या होते हैं आपके भिक्षु होंगे उनके लिए, समझ में आ रहा बात। ठीक है, हो गया। तो ये चार आचरण के बाद पांचवा आचरण जुड़ा किस काल में, महास्वामी काल में। ठीक है, अच्छा अब देखो। ठीक है, इनका विवाद किससे हुआ था, इनके विवाद हुआ था दो लोगों से, एक तो जमाली से, एक था तिस्सगुप्त से। तिस्सगुप्त से है ना, इन दो लोगों से इनका विवाद हुआ था। ठीक है, चलो यहां पर आज खत्म करते हैं। कल अपन जैन सभा, जैन साहित्य और बौद्ध और जैन के मध्य जो डिफरेंसेस है उसको देखेंगे, है ना, कि जैन में क्या है, उनकी धर्म प्रचार की भाषा क्या है, बौद्धों की क्या है, दोनों के बीच जो सैद्धांतिक अंतर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें से क्वेश्चंस भी बनता है। ठीक है, चलो तो आज इतना ही। कल अपन नेक्स्ट क्लास में, जैन धर्म की दूसरी क्लास में, इसको जैन सिद्धांतों को कंप्लीट करेंगे और जैन स्थलों को भी देखेंगे अपन। दिलवाड़ा जैन मंदिर हो, श्रवण बेलगोला हो, तो भारत के मैप में हम उनको चिन्हित करने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, जो जैसा हमने बौद्ध धर्म किया था, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, चलो तो अगर आपको क्लास ठीक लग रहा होगा, है ना, तो मुझको बताएंगे आप, है ना, कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा है ना, ये हमारी क्लासेस जो चल रही है लाइव क्लासेस, दिया एजुकेशन एंड एग्जाम ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।